आप पार्टी में शामिल होने के बाद डॉक्टर अशोक तंवर शुक्रवार को झज्जर जिले के कस्बा बेरी स्थित अपनी कुलदेवी मां भामेश्वरी देवी के द्वार पर पहुंचे। यहां उन्होंने अपने साथी कार्यकर्ताओं के साथ मां भीमेश्वरी देवी के चरणों में मत्था टेका। मां के दर्शनों के बाद डॉक्टर तंवर ने कहा कि वे गरीब किसान और मजदूर के हक की लड़ाई लड़ने का आशीर्वाद मांगने के लिए अपनी कुलदेवी के चरणों में पहुंचे हैं। डॉक्टर अशोक तंवर ने कहा कि जिस तरह से देश को जिस ढंग के नेतृत्व की जरूरत है, उसी के लिए वो अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में आप पार्टी के भविष्य की राजनीति क्या होगी? आम आदमी की हम मजबूती से लड़ाई लड़ सकें और इस देश को जिस तरह का नेतृत्व चाहिए वो सब लोगों को मिल करके वो तैयार करना है, और यही सोच करके आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ मैं और हमारे हजारों साथियों ने 4 तारीख को ज्वाइन किया है। और बाकी तो हालात आपके सबके सामने हैं, धीरे धीरे आगे का ब्लूप्रिंट तैयार होगा, रणनीति तैयार होगी, और कैसे हम हरियाणा के अंदर जो मजबूत संगठन तैयार कर सकें, ईमानदार साफ स्वच्छ छवि के जो साथी हैं, साधारण परिवारों के हैं, जीवन में जो संघर्ष करके आगे बढ़ रहे हैं, उन सबको जोड़ सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। लोगों का बहुत रुझान है और खुशी इस बात की है कि एक तरफ जब देश में कोई ना लड़ पा रहा हो, वह आम आदमी की लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी के सिपाही आम आदमी पार्टी के माध्यम से आज सड़कों के ऊपर उतरे हुए हैं, और आगे महंगाई, बेरोजगारी, अशिक्षा, स्वास्थ्य की जो सेवाएँ हैं उसका आम जनता को लाभ नहीं पहुँचता है। तो एक नया डेवलपमेंट का मॉडल, एक नया गवर्नेंस का मॉडल वो उन्होंने पूरे देश में दिया है। अशोक तंवर ने हरियाणा सरकार द्वारा 134A को खत्म करने की भी तीखे शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि जब गरीब की बगैर आवाज की लाठी पड़ती है तो उसका भारी नुकसान उसके साथ अन्याय करने वालों को भी झेलना पड़ता है। गरीब किसान मजदूर को दबाता है, मारता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो भी बच पाता है। ये तो अनपढ़ इस देश को रखने की एक साजिश है। और किसी ने कहा कि मत सता गरीब को, गरीब रो देगा, गरीब ऐसा रो देगा दीन जान से खो देगा। जो लोग आज 134A को ख़त्म करना चाहते हैं या ख़त्म कर दिया है, उनको पुनः वो बहाल करना चाहिए, करना पड़ेगा भी, क्योंकि शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति का अधिकार है। फ्री देने से तो महंगाई नहीं होती, फ्री देने से तो बल्कि और ठीक होता है। जो चीज़ें जो व्यक्ति, समाज, कोई इलाका अगर डिज़र्व करता है कोई चीज़, और वहाँ की सरकार पूरी सक्षमता के साथ उसको हैंडल कर सकती है, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर जो है फ्री भी होगा, और जो टैक्स दे सकते हैं उनसे टैक्स वसूली भी होनी चाहिए। तो ये तो सरकार चलाना एक बैलेंस करने का काम है, इसीलिए बजट का प्रावधान होता है कि जो सेक्टर पीछे छूट गए, जो लोग पीछे छूट गए, जो इलाके पीछे छूट गए, हम उनको प्रॉपर तरीके से देश की तरक्की में। आम पार्टी द्वारा लोगों को फ्री दिए जाने की नीति पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए डॉक्टर तंवर ने कहा कि जिसे फ्री दिए जाने की जरूरत है उसे फ्री मिलना चाहिए, और जिसे टैक्स वसूला जाना चाहिए उससे टैक्स भी वसूल किया जाना चाहिए। झज्जर से प्रवीण कुमार धनखड़, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।